हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आज अथर्व यूट्यूब चैनल। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट रिवोल्ट की RV 400। आपको बाइक दिखाने वाले हैं आज, और आज हम आए हैं वैशाली नगर अक्षरधाम के पास ही। यहाँ पे इनका शोरूम है, फर्स्ट ऑफिशियली शोरूम है पूरे राजस्थान का। इसकी टॉप स्पीड बता रहे हो आप? स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो क्या? बस क्या बात है बॉस, मतलब लग ही नहीं रहा कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी व्हीकल चला रहे। और पर्सनली मुझे काफी पसंद आई। और तो आज हम यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम, योर गुड नेम? पूजा। स्पेशली ऐसे मैं कस्टमर आपसे पूछ चाहता हूँ, अगर मुझे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फ्यूल इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट भी सेफ है, और मेन तो पैसा ही बहुत बचता है इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो, और बाकी इसमें ऐसा क्या फीचर है रिवोल्ट में कि मैं रिवोल्ट ही परचेज करूँ? मैं आपको दिखा देती हूँ। 400 वेरियंट है, रिवोल्ट 400 है ना? जी मैम। ये गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस मिलेगा जी। यहाँ पे बैटरी दे रखी है, लिथियम आयन की बैटरी है, 21 केजी बैटरी का वेट है, 3.24 किलो वाट की है। टोटल 4 से 4.5 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में, 4 यूनिट कंज्यूम करती है। बैटरी पोर्टेबल है, आप बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, आपको अगर अपार्टमेंट है लिफ्ट वगैरह के थ्रू आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये रिमूवेबल बैटरी है, क्या एम्पियर है, एंड इसका क्या मतलब चार्जिंग आवर्स क्या है? 4 से 4.5 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में, 4 यूनिट कंज्यूम करती है। बैटरी पोर्टेबल है, आप बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। तो क्या बात है, मतलब काफ़ी अच्छा ये कस्टमर के लिए देखा है रिवोल्ट ने। एंड मुझे फर्स्ट देख रहा हूँ मैं कि कोई ईवी बाइक ऐसी है जो मतलब पूरा बाइक का भी इतना शानदार लुक आ रहा है इसमें। और रेंज भी आप बता रहे हैं, क्या रेंज है इसकी? इसमें सर कंपनी जो क्लेम करती है वो 150 क्लेम करती है। अच्छा, अभी तक हाईएस्ट कस्टमर रिव्यू जो आया है वो 136 का ही आया है। 136 का? हाँ, 136। इसमें डिपेंड करता है आप कौन से उसमें चलाते हैं स्पीड में। यहाँ पे 3 मोड दे रखे हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। अगर आप इको मोड में रन करते हैं तो 40-45 की स्पीड आएगी, वो हम 130-140 किलोमीटर रन करेगी। सेकंड मोड में 65 की स्पीड में 90 किलोमीटर, थर्ड मोड में 85 की टॉप स्पीड में 70 किलोमीटर। क्या बात है, 85 स्पीड कवर कर लेती है हाईएस्ट। और आप बता रहे हैं कितना 85 अगर स्पोर्ट्स मोड पे करते हैं अपन तो 85 होगी, तब भी 70 किलोमीटर रन करेगी। 70 किलोमीटर रन करेगी, तो अगर आप अपने सिटी साइड में देख रहे हो में चला रहे हैं तो जी, तो उस पर्पज से तो काफ़ी अच्छी है। 4.5 घंटे में चार्ज करो उसको और अच्छे से उसको यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम, अभी इसका बुकिंग अमाउंट क्या है, वेटिंग पीरियड कितना आ रहा है इसमें? इसमें अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है 4 मंथ्स के लिए, और बुकिंग अमाउंट 10,000 है। ऑफलाइन बुकिंग रहेगी? ऑफलाइन बुकिंग रहेगी। एंड जो टोटल इसका अमाउंट है वो कितना है? 138 इसका ऑन रोड प्राइस है, इसमें एक्स शोरूम प्राइस है 125 का। अच्छा, मैं सब्सिडी वगैरह कुछ मिली? सब्सिडी इसमें 11,000 की है। अच्छा, जो गाड़ी डिलीवर होने के 3 से 3.5 मंथ बाद आ जाती है आपके अकाउंट। और मैम, ये आरटीओ रजिस्टर्ड तो होगी? हाँ, आरटीओ रजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक चार्जेस, 4G कनेक्टिविटी वगैरह। इसमें आपको 4G कनेक्टिविटी भी मिलेगी, आपको माई रिवॉल्ट ऐप का एक्सेस मिलेगा। अच्छा। आप अपनी गाड़ी की लास्ट पार्क लोकेशन, लास्ट ट्रिप हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि आपको कोई अपडेशन या सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता उसके अंदर। जी, जैसे आप अदर है ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में देखेंगे तो वहाँ पे है ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है पर ईयर का। जी, इसमें 1 टाइम चार्ज है लाइफ टाइम के लिए, और कोई चार्जेस नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा एंड की फीचर है कि अगर आप रिवोल्ट की बाइक लेते हो तो आपको इसमें ऐप असिस्टेंट मिलेगा जिसके थ्रू आपकी बाइक लोकेट कर सकते हो। और भी आप क्या बता रहे हैं फीचर्स उसमें? इसमें आप कस्टमाइज साउंड मिलेगा, जैसे मैं आपको। अच्छा, हाँ जी, दिखा दीजिए। तो ये इसका मीट गाड़ी में ये साउंड आएगा। नाइस। पहला आपको गाड़ी के अंदर इनबिल्ट मिलेगा, बाकी 3 आपके फोन में इंस्टॉल करवाए जाएंगे ऐप के थ्रू। तो ये फर्स्ट इनबिल्ट बता रहे हैं और बाकी इसके अलावा 2 साउंड और बाकी 3 हो रहे हैं, 3 आप चेंज कर सकते हैं, टोटल 4 साउंड रहेंगे। क्या बात है, मतलब जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो काफी लोग मतलब पसंद भी करते हैं, तो आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो, ये अच्छा है वो है। तो इसका फुल साउंड यही था? हाँ। ये स्पीकर इनेबल है, क्या है इस मोबाइल? स्पीकर है, आर्टिफिशियल साउंड है। अच्छा, क्या बात है, फुल रोअर कर दिया है, शेर की दहाड़ होती है ना वैसे रिवोल्ट अपना दहाड़ रहा है।
अच्छा है मैम, राइज रिवोल्ट बढ़िया चीज़ है। और इसे बता दो मुझे कि आगे टायर्स का क्या साइज है, डिस्क ब्रेक का क्या फीचर है? मैं आपको बताती हूँ, ट्यूबलेस टायर दे रखे हैं, आगे 90mm का टायर दे रखा है, आगे वाला पीछे वाला टायर है 120mm का है। 3 kW की मोटर आएगी, यहाँ पे आपको आगे पीछे दोनों ही साइड डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, 240mm के डिस्क ब्रेक है। क्या बात है। इसमें बैटरी की वारंटी 6 साल या 1,00,000 किलोमीटर की रहेगी, मोटर की वारंटी 5 साल या 75,000 किलोमीटर की रहेगी, चार्जर की रहेगी 2 साल। 12 एम्पीयर का चार्जर आएगा, आप नॉर्मल सॉकेट में भी चार्ज कर सकते हैं। और इनकेस अगर किसी कस्टमर को एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए, जैसे कि आप बता रहे मुझे 138 तो कवर कर ही लेती है रेंज ही है, अगर इससे ज्यादा किसी को लंबी राइड के लिए जाना है तो एक्स्ट्रा बैटरी रखना चाहे स्विच करने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहली बात तो 21 kg बैटरी का वेट है, अच्छा 3.24 kW की, इतनी रेंज आपको दे ही रही है तो आप एक्स्ट्रा बैटरी रखेंगे भी कहां बाइक के अंदर। और इन फ्यूचर मैम चार्जिंग स्टेशन का क्या है? चार्जिंग स्टेशन तो गवर्नमेंट प्लान है, वो तो होते ही रहेंगे, होते रहेंगे, अपडेट होता रहेगा धीरे धीरे, एक पूरा मैप बन जाएगा। इसके अलावा आपने मुझे बताया आपको USB सॉकेट भी मिलेगा फोन चार्ज करने। अच्छा मैम एक बार इसकी डिस्प्ले दिखा दीजिए ओपन करके अपन उस साइड से। अच्छा ओपन है, तो उसका क्या टॉप स्पीड रहता है, टायर व्हील राउंड करेगा क्या इसका, अगर दिखा सकते हैं उस वाली गाड़ी में? ये इसके चार्जिंग सॉकेट्स हैं, वहाँ आ जा पहले वो। अच्छा तो ये की, हाँ जी मैम स्पीड शूट करने के थोड़ा बहुत तो आइडिया लगे रेंज का कितना जा रहा है मीटर। आराम से 100। अच्छा तो यहाँ पे आप बता रहे हैं बैटरी परसेंटेज इंडिकेट कर रही है। हाँ, यहाँ पे आपको ट्रिप आ रही है, ये रेंज शो करेगा। अच्छा ना? ये देखिए, ये मोड पे डिपेंड करेगा, गाड़ी इस बैटरी परसेंटेज में इतने किलोमीटर रन करेगी। जी इको मोड में अभी एट प्रेजेंट टाइम 83 बैटरी है, इसमें 116 किलोमीटर रन करेगी। अपन सेकंड मोड पे स्विच करते हैं, 83% बैटरी में 74 किलोमीटर रन करेगी। क्या सो नाइस कि यार इतना कुछ रेवोल्यूशन आ गया इलेक्ट्रिक सेक्टर्स में। और मैम ये इंडियन स्टार्टअप, इंडियन ही है? हाँ, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, मेड इन इंडिया है, और जितना अगर अपना इंडिया का पैसा इंडिया में आए उतना बेस्ट है। तो इसके जो टायर है ट्यूबलेस है कैसे है? ट्यूबलेस टायर मिलेंगे इसमें। और डिस्क ब्रेक आ रहा है दोनों साइड में, आगे पीछे दोनों ही साइड डिस्क ब्रेक है। सस्पेंशन कैसा है मैम इसका? सस्पेंशन में देख रहा हूँ मोनो शोकर, इसका इंडिकेटर अगर दिखा दें। अच्छा थोड़ा की के बारे में बता सकते हो, की के क्या क्या फीचर्स हैं? लॉक ऑपरेटिव है ना, यहाँ पे आपको अनलॉक का दे रखा है जी, यहाँ पे लॉक दे रखा है, यहाँ पे स्टार्ट है और ये GPS लोकेशन है। अच्छा GPS लोकेशन कैसे काम करती है इसकी? आपको फोन में शो हो जाएगा, फोन की ऐप से कनेक्ट हो जाएगा, ऐप से कनेक्टेड रहेगा। इसमें टायर लॉक का भी फीचर है, अगर आपकी गाड़ी यहाँ से पूरी लॉक दे जी मैम, आप टायर को मूव करते हैं जैसे जी, एक तो ये गाड़ी साउंड करेगी, अब टायर लॉक हो गया मूवमेंट नहीं करेगा, एंटी थेफ्ट सिस्टम है। ओके नाइस, मतलब ये है कि गाड़ी भी आपकी सेफ है, पैसा दे रहे हो तो मतलब चीज़ आपकी सेफ रहनी चाहिए। एंड पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, रिव्यू भी काफ़ी आपने देखा होगा मैम ने डिटेल से बताया हमें। और इसके अलावा मैम अगर इसमें कुछ और स्पेशल बताना चाहें आप? बैटरी भी लॉक है, जब तक बैटरी को अनलॉक नहीं करेंगे कैन वी रिमूव दिस बैटरी, मतलब नाउ मैं चाहता हूँ वेट। अच्छा अभी नहीं हो पाएगा, बाकी ये इजी रिमूवेबल है, इजी है, यहाँ से MCB ऑफ करनी है जी, है ना, ये सॉकेट हटाना है, इस की से आपको बैटरी को अनलॉक करना है और बाहर निकाल सकते हैं, इजी रिमूवेबल है, ऐसे नहीं है कोई भी कर सकता है इसको रिमूव। जहाँ पे पेट्रोल टंकी होती है नॉर्मल बाइक में वहाँ पे उन्होंने बैटरी फिट करी है, बाकी ये पावर इग्निशन बटन देख रहा हूँ मैं, आपको शो करता है कि अंदर से MCB ऑन है। अच्छा है ना, अगर आप ये ऑफ कर देंगे MCB को तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो इतना कुछ बता दिया आपने, अब इसके हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और मैम कहना चाहूँगा कि अगर आप आते हैं रिवोल्ट के शोरूम में तो आपको बहुत अच्छा कस्टमर फीडबैक भी मिलेगा, और जो यहाँ का स्टाफ है काफ़ी अच्छे से टैकल करते हैं, उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई हमें, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉपरेशन मैम। और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव कमेंट आए हमें, और हम आपके लिए ऐसे और भी अपडेट लाते रहें।